व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं रायता, आलू मटर वाला रायता भी कह सकते हैं इसको, और ये बहुत डिलीशियस बनता है, काफ़ी क्विकली बन जाता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं बिरयानी के साथ, चिकन कढ़ाई के साथ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आलू मटर वाले रायते के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। रायता बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। एक प्याली हमने मटर लिया है, इनको हमने बॉयल कर लिया है। एक भरा आलू हमने लिया है, इसको भी हमने काट के बॉईल कर लिया है। एक अदद गाजर ली है, अगर आपकी गाजर बड़ी है तो आप आधी गाजर ऐड कर सकते हैं। गाजर को भी काट के हमने बॉईल किया हुआ है। एक प्याज को हमने काट लिया क्यूब्स में। एक अदद टमाटर लिया है, इसको भी क्यूब्स में काट लिया है। दो अदद हरी मिर्चें ली हैं। मसाला जात में हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तो आइए रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारा जो रायता है, आलू मटर वाला रायता, वो तैयार है। ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है और कितना क्विकली बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका रायता कैसा बना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।